तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ जॉन ब्रोजर को, क्योंकि उनकी जो वेबसाइट है वो आज ही लॉन्च हुई है और मैंने देखा कि भाई यहाँ पर कुछ एक्सक्लूसिव लीक है, अलग अलग यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। यहाँ पर जो शेड्यूल है वो बहुत ही बिजी हो गया है। M1X MacBook Pro 16 इंच, यहाँ पर 9th जनरेशन के बारे में बात करना है और बहुत सारी चीजें हैं जो कवर अप करनी है। बट स्टिल अभी बात करते हैं iPad mini 6 के बारे में, और जॉन ब्रोजर की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है इसमें हमें नया रीडिजाइन फॉर्मेट देखने को मिलने वाला है लाइक iPad Air 4। इसके ऊपर फुल डिटेल में बात करने वाले हैं और यहाँ पर इमेजेस भी लीक हो चुके हैं, तो सब कुछ आपको पता चलने वाला है। अब ये जो रेंडर्स है या फिर मतलब ये जो चीजें हैं वो रियल जो iPad mini 6 था उससे एकदम कॉपी करके निकाला गया है, उससे ये चीज क्लियर अप हो जाती है कि भाई iPad mini 6 एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर साथ में साथ यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट लुक iPad mini 6 का, ये स्पेस ग्रे में बहुत ही अच्छा है, सिमिलर है मेरे iPad Pro जैसा, वैसा ही कलर टोन हमें देखने को मिलता है और ये चीज मुझे अच्छी लगी है। तो यहाँ पर अभी टॉपिक पे आते हैं, तो यहाँ पर ये जो iPad mini होने वाला है वो iPad mini 5 मतलब जो 2019 से है उसके बाद में ये अभी ये सक्सेसर आ रहा है, और साथ में साथ हमें इतना डिजाइन चेंज मिलता है, पूरी चीजें रीडिजाइन हो जाती है। और यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि भाई पुराना जनरेशन कैसा था और यहाँ पर नया जनरेशन कैसा है, और यहाँ पर मैं फाइनली बोल सकता हूँ मतलब 89.9% की भाई ये जो चीजें हैं वो रियल है, क्योंकि मार गर्म जो रेप्यूटेबल सोर्स है वो भी ये इन्फॉर्मेशन देते थे। और यहाँ पर अभी कुछ रेंडर्स वीडियोस जो है वो बनाते रहते थे, बहुत लोग निकालते रहते थे, तो वो चीजें भी एक तरीके से अभी मतलब सेंस बनाती है कि भाई हाँ ये पॉसिबल है। और ऊपर से यहाँ पर अभी क्वेश्चन बहुत लोग करने वाले कि भाई तूने बहुत डिस्कशन किया था iPad mini 6 के रिलेटेड, इसका जो डिजाइन है वैसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। यहाँ पर कुछ महीनों पहले मुझे याद है एक बहुत वियर्ड न्यूज आई थी कि जो iPad mini 6 होने वाला है वो डिजाइन चेंज नहीं करने वाला है, और वो जो चीज है ना मतलब सोशल मीडिया पे एकदम ब्लोम हो गई, मतलब फट गई कि भाई ये कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सोनी डिक्सन है, ये जो डमी यूनिट्स लीक किए थे, वो यहाँ पर बोलते हैं कि भाई यहाँ पर एज ए यूजुअली जो अपकमिंग डिवाइस होते हैं उनके ऊपर जो केस मैन्युफैक्चर है उनको वर्क करने दिया जाता है बाई कंपनी, तो वैसा ही कुछ सीन यहाँ पर हो रहा है। उस वक्त के टाइम पे कुछ सोर्स यही बोल रहे थे कि भाई ये जो है वो P2 स्टेज में है, वो इनिशियल स्टेज में आया नहीं है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इनिशियल स्टेज में आया, वहां पर उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर भी बात करते हैं कैट फाइल, और आपने जॉन ब्रोजर को सुना है कैट फाइल के नाम से तो आप सही हो, क्योंकि अगर ये कोई डिवाइस को देख के रेंडर बनाते हैं रियल डिवाइस को तो वहां से भी वो चीज रियल हो जाती है, बट यहाँ पर अगर आप कैड फाइल्स को बनाते हो उससे देख के इंस्पायर होते हो तो वो चीज 99.9% जो जम्स वाला होता है वैसा एक्यूरेसी लेवल हो जाता है कि भाई वो चीज श्योर है। यहाँ पर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या कलर शेड्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट और बैक से कि भाई कैसा दिखने वाला है, और फ्रंट में जो डिस्प्ले है वो होने वाली है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, और ऊपर से यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो कैमरा प्लेसमेंट है वो यहाँ पर सेम ही है iPad Air 4 से, और यहाँ पर मैं अभी हाई वीडियो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये जो वीडियो की जो क्वालिटी है वो कम रेजोल्यूशन की है, तो यहाँ पर आपको जो फोटो दिख रहा है वो अच्छी क्वालिटी में नहीं दिख रहा है। वो तो यहाँ पर जो जॉन ब्रोजर की वेबसाइट दी गई है जहाँ से आप खुद देख सकते हो एकदम हाई क्वालिटी का मतलब इमेज, पर जो माइक्रोफोन प्लेसमेंट है वो नीचे आता था iPad Air 4 में, यहाँ से हटा के यहाँ साइड में कैमरा में डाल दिया है। मे बी ऐसा भी हो कि भाई यहाँ पर जो मदरबोर्ड है यहाँ पर जो बैटरी वो अच्छे से फिट नहीं हो रहा है, तो उसके सबसे ये जो चीजें हैं वो इधर उधर हुई होगी। तो यहाँ पर जो डिजाइन है वो भी फ्लैट होने वाला है लाइक iPad Pro 2021। तो यहाँ पर अभी जो जॉन ब्रोजर है वो ये बताते हैं यहाँ पर अभी इसका जो फुटप्रिंट होगा वो 3 mm चेंज होने वाला है, बट यहाँ पर आप ये चीज नोट करके रखना ये जो डिवाइस है वो बहुत ही छोटा आता है, तो अगर ये स्लाइटली थिकर हो जाता है तो वहां पर जो बैटरी है वो आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर हमें iPad mini 6 में टच आईडी सेंसर देखने को मिलने वाला है ऊपर पावर बटन में। यहाँ पर अभी बात करते हैं स्पीकर्स के बारे में, तो यहाँ पर अभी जो स्पीकर्स है वो क्वाड स्पीकर्स नहीं होने वाले हैं, स्टीरियो स्पीकर्स होने वाले हैं, बट यहाँ पर अभी जो जॉन ब्रोजर है वो यही बोलते हैं ये जो स्पीकर्स होने वाले हैं वो बहुत क्रेजी नाइज होने वाले। यहाँ पर साथ में साथ यहाँ पर अगर आप टच आईडी सेंसर वाला जो अभी मैंने इमेज दिखाया वो अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर जो साइड में जो स्पीकर्स ग्रिल हमें देखने को मिलते हैं लाइक iPad Air 4 में वैसा हमें यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो मे बी यहाँ पर जो स्पीकर्स है वो नीचे से आएंगे तो वहां से जो ऑकवर्ड जो फील है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो iPad Air 4 है वो यहाँ से और यहाँ से स्पीकर्स देता है, साथ में साथ हमें यहाँ पर मिलता है USB-C चार्जिंग सपोर्ट, तो ये जो डिवाइस है वो मोस्ट पोर्टेबल डिवाइस हो जाता है एप्पल की तरफ से, जो छोटा भी है और ऊपर से USB-C सपोर्ट देता है। यहाँ पर अगर आपके पास जो MacBook Pro है अगर आपको उसको रिप्लेस करना है छोटे डिवाइस के साथ और उसकी जो परफॉर्मेंस हो वहाँ पर उसकी अच्छी भी हो, एवरेज हो, मतलब खराब नहीं हो। अब ये तो फ्यूचरिस्टिक बात हो गई है, यहाँ पर अभी बात करते हैं कलर ऑप्शन के बारे में। मेरा मनपसंद स्पेस ग्रे, मेरा मनपसंद सिल्वर, मेरा मनपसंद
ऑप्शन भाई गोल्ड कलर, तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें आईपैड एयर 4 जैसा कलर ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ से अगर मैं एप्पल के विजन को देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सारी चीजें है ना वो आईपैड एयर 4 से इंस्पायर है, तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज के साथ मिलनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो स्पीकर है वो भी छोटे देखने को मिलेगी, साइज जो है वो छोटा देखने को मिलने वाला है, माइक्रोफोन प्लेसमेंट थोड़ी अलग होने वाली है, और यहाँ पर साथ में साथ हमें एप्पल पेंसिल 3 मिलने वाली है। अभी उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, वो छोटी एप्पल पेंसिल होने वाली है, और साथ में साथ हमें A14 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलने वाला। जॉन प्रोजर ने ये चीज कंफर्म की है। यहाँ पर जो जॉन प्रोजर है वो ये बताते हैं कि भाई यहाँ पर जो एप्पल पेंसिल का जो मिस्टर व्हाइट की तरफ से जो लीक निकला था, जिसके रिलेटेड मैंने बहुत ही डिस्कशन किया था, एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, वो अगर आपको चेकआउट करनी है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो एप्पल पेंसिल होने वाली है वो स्पेशली आईपैड मिनी 6 के लिए बनाई जाने वाली है। सो ये जो चीजें हैं वो क्लियर अप हो जाती है। सो दैट्स अबाउट इट, यहाँ पर जो वीडियो है वो खत्म हो जाती है। तो ये वीडियो को जो है वो लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ में साथ जो बेल आइकन है उसको स्मैश करना मत भूलना। ये जो ESR का कवर यूज कर रहा हूँ M1 iPad Pro के लिए, उसका जो इम्प्रेशन मतलब जो रिव्यू वाला वीडियो आने वाला था, बट ये सारी जो चीजें हैं वो अभी आ गई है, तो अभी इसको थोड़ा डिले कर देते हैं 2-3 दिन, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर वे में एक वीडियो अच्छे से बता के देंगे, जिससे आपका जो भी डाउट है इसके रिलेटेड बहुत क्लियर अप हो जाएगा।